दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पशुओं में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI या जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं वो करने का सही और आदर्श तरीका क्या है। AI या कृत्रिम गर्भाधान की प्रत्येक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी एक स्टेप में गड़बड़ी होने से स्ट्रा में मौजूद लाइव स्पर्मेटोजोआ या जीवित शुक्राणु जो हैं उनके नष्ट होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं और इस प्रकार पशु के बार बार रिपीट होने का खतरा भी बढ़ता रहता है। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि AI करते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। AI करने के लिए मुख्य रूप से AI गन, AI शीथ, AI स्ट्रॉ, LN2 जार, स्ट्रॉ को पकड़ने के लिए स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप, सीजर या कैंची, कॉटन या रुई, AI स्लीव्स या हाथ में पहनने के दस्ताने या मोजे, लुब्रिकेंट जैसे कि कोई भी मीठा तेल, पानी जिसका कि तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 41 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, एप्रोन और गम बूट्स की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि पशु जैसे कि गाय व भैंस में AI करने के लिए कौन से तरीके या कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो गाय व भैंस में AI करने के लिए रेक्टोवेजाइनल मेथड काम में लिया जाता है, जिसमें एक हाथ रेक्टम में डालकर दूसरे हाथ से AI गन को वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पशुओं में AI या कृत्रिम गर्भाधान करने का सही और आदर्श तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें LN2 जार में रखे उस कैनिस्टर को पहचानना है जिसमें से हमें स्ट्रो निकालनी है। इसके लिए हम हर कैनिस्टर पे टैग लगा सकते हैं जो कि LN2 जार के बाहर लगाना है। इसका फ़ायदा हमें यह होगा कि हमें बार बार कैनिस्टर को ऊपर करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कौन सी नस्ल की स्ट्रा रखी हुई है। इससे हमें लिक्विड नाइट्रोजन का नुकसान भी कम होगा। इसके बाद कैनिस्टर को LN2 जार की नेक या उसके गर्दन वाले पोर्शन के बीच तक ही ऊपर उठाना है, उसको पूरा बाहर नहीं निकालना। इसके बाद स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप की सहायता से हमें वह पर्टिकुलर स्ट्रो उठानी है और तुरंत कैनिस्टर को वापस LN2 जार में डाल देना है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें स्ट्रा को हमेशा स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप से ही उठाना है ताकि सीमन में मौजूद स्पर्म्स को थर्मल शॉक लग करके वो निष्क्रिय ना हो जाए। इसके बाद कलाइयों की सहायता से स्ट्रा को हवा में एक से दो बार झटके देने हैं जिससे कि स्ट्रा के चिपकी हुई लिक्विड नाइट्रोजन हट जाए। इसके बाद सीमन स्ट्रा को साफ पानी में जिसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो उसमें 30 सेकेंड के लिए रख देना चाहिए। इस प्रक्रिया को थाविंग कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस बर्तन में हम पानी ले रहे हैं उसकी साइज पर्याप्त हो ताकि सीमन स्ट्रा उसमें आसानी से पूरी तरह से डूब जाए एवं बर्तन में जो पानी हम ले रहे हैं उसका तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही हो, क्योंकि इससे कम तापमान पर थाविंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और अधिक तापमान पर सीमन में मौजूद स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स या शुक्राणुओं के मरने का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम थाविंग थर्मामीटर भी काम में ले सकते हैं। इसके बाद स्ट्रा को हाथ में लेकर उसे टिश्यू पेपर या कॉटन से साफ करना है और देखना है कि स्ट्रो में कहीं क्रैक या कहीं से वो टूटी भी तो नहीं, उसकी दोनों साइड की सील प्रॉपर लगी हुई है या नहीं, क्योंकि अगर सीमन डायरेक्ट पानी के संपर्क में आ जाएगा तो भी स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु जीवित नहीं रह पाएंगे। स्ट्रोक की एयर को ऊपर लाने के लिए हमें स्ट्रोक की लेबोरेटरी सील वाली साइड को अंगुली से धीरे धीरे टैप करना है। इसके बाद स्ट्रोक की जो लेबोरेटरी सील है उसे हमें 90 डिग्री के कोण पर या एकदम सीधा इस प्रकार से काटना है कि उसकी हवा या उसमें जो हवा का बुलबुला है वो निकल जाए। इसके पहले AI गन को दोनों हाथों की हथेलियों में रखकर उसे रगड़ना है
जिससे उस गन का तापमान 37 डिग्री के आसपास हो जाए। इसके बाद AI स्ट्रॉ को वीडियो में दिखाए अनुसार लोड करके उस पर शीत लगा देनी है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें स्ट्रॉ को गन में लगा करके उसे लॉक कर देना है और फिर एयर स्पेस या हवा को हटाने के लिए AI गन का पिस्टन दबा करके सीमन की एक ड्रॉप बाहर छोड़ देनी है। इसके बाद हमें एक हाथ पशु के रेक्टम या मलद्वार में डालकर इस प्रकार से रेक्टम में हल्के हाथ से व धीरे से घुमाना है ताकि गर्भाशय का मुख या सर्विक्स हमें पकड़ में आ जाए। दोस्तों, गर्भाशय का मुख या सर्विक्स 2 से 3 इंच लंबी खोखली व कड़क संरचना होती है जिसके बीच वाले भाग को मिड सर्विक्स कहते हैं। अब हमें दूसरे हाथ में AI गन लेकर के उसे 45 डिग्री के कोण पर पशु की वेजाइना में डालना है। इसके बाद हमें सर्विक्स के आगे वाले सिरे पर अंगूठे से दबाकर देखना है कि सर्विक्स खुली है या नहीं। अगर सर्विक्स खुली है तो हमारा अंगूठा अंदर चला जाएगा और बंद है तो अंगूठा बाहर रहेगा। सामान्यतः पशु के हीट में आने पर उसकी सर्विक्स खुल जाती है। इसके बाद जो हाथ हमने रेक्टम या मलद्वार में डाल रखा है उसकी सहायता से हमें सर्विक्स को पकड़ लेना है और दूसरे हाथ से गन को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए मिड सर्विक्स तक उसे डाल देना है। इसके बाद पिस्टन को पूरा दबा करके सीमन को मिड सर्विक्स में खाली करके गन को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, गन को वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद उसे सर्विक्स तक पास करने में कुछ समस्याएं हमें आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी समस्याएं आती है और कैसे उन समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो इसमें वेजाइना में इस प्रकार से फोल्ड्स पाए जाते हैं अंदर की ओर, इस प्रकार फोल्ड पाए जाते हैं। जब हम AI करते हैं तो जब हम गन पास करते हैं तो हमारी गन जो है वो इन फोल्ड्स में जा करके अटकती है। तो हमें क्या करना है, ये जो मेरा पीछे वाला हाथ है, ये मेरा हाथ मान लीजिए सर्विक्स की तरफ मैंने पकड़ रखा है, तो जब हम इसको पीछे की ओर धकेलेंगे यानी कि पशु के मुंह की साइड धकेलेंगे तो ये जो फोल्ड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और जो वेजाइना है वो इस प्रकार से एक खोखली संरचना के रूप में बन जाएगी और हमारी जो गन है वो आसानी से पास हो जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद सर्विक्स को गन में डालना है। सर्विक्स को गन में डालते समय हमें गन को एक जगह स्थिर रख करके सर्विक्स को इस प्रकार ऊपर नीचे करना है जिससे गन सर्विक्स में प्रवेश कर जाए। दोस्तों, अधिकतर हमसे इसी स्टेप में गलती होती है, हम सर्विक्स को ऊपर नीचे करने की बजाय गन को अंदर डालने की कोशिश करते हैं जिससे पशु की सर्विक्स को चोट लगने का खतरा रहता है और इसके बाद उसमें इन्फेक्शन होकर वहाँ मवाद भी पड़ सकती है जिससे पशु के बार बार रिपीट होने की समस्या भी आ सकती है, एनिमल जो है वो कंसीव नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है, केवल सर्विक्स की मूवमेंट ऊपर नीचे करनी है, गन को हमेशा स्थिर रखना है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें गन को सर्विक्स से आगे यूटेराइन हॉर्न तक पास नहीं करानी, क्योंकि अगर यूटेराइन हॉर्न में सीमन डिपोजिशन करते हैं तो पशु के कंसीव करने के या उसके रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पशु के कंसीव करने के चांसेस या रुकने के चांसेस आखिर कम क्यों हो जाते हैं। तो इसके दो कारण हैं मुख्यतः। पहला कारण है कि पशु के ओवुलेशन दोनों ओवरी में से किसी में भी हो सकता है, और अगर मान लीजिए कि ओवुलेशन लेफ्ट ओवरी में हो रहा हो और हमने सीमन डिपोजिशन राइट हॉर्न में कर दिया हो तो इस वजह से भी पशु कंसीव नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण है AI गन को यूटेराइन हॉर्न तक पास करने से चोट लगने का खतरा भी पशु को रहता है जिससे पशु को इन्फेक्शन हो सकता है और उसके रुकने के या कंसीव करने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा स्पर्म्स या शुक्राणुओं की जो लाइफ है वो यूट्रस की बजाय सर्विक्स में अधिक होती है, तो अगर सीमन डिपोजिशन हम यूट्रस की बजाय सर्विक्स में करते हैं तो पशु के कंसीव करने के या उसके रुकने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, AI पे मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।